हेलो दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं रामगढ़ घाटी कितनी डेंजर भी बोल सकते हैं और खूबसूरत भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों यही ये देखिए पहाड़, देखिए पता नहीं क्या लगा हुआ है टेलर में, 75% रास्ता तो यही कैप्चर किया हुआ है, बट क्या करेगा, सामान लोडिंग है तो ड्राइवर का काम है पहुंचाना। दोस्तों आपको दिखाते हैं रामगढ़ घाटी का अद्भुत नज़ारा। आपको पहाड़ी पहाड़ का अवलोकन जरूर देखने अवलोकन जरूर होगा, पहाड़ों का अवलोकन देखिए बड़े वाले टाटा का आगे का जो होता है केबिन वो ले जाया जा रहा है इस ट्रक में। देखिए यही दोस्तों यही वो पहाड़ है जिसके पीछे रामगढ़ जिला बसा हुआ है, देखने से लगता है कितना नज़दीक है पर जाने में समझ में आ जाएगा कि कितना दूरी है। बस वही वो पहाड़ है दोस्तों जो आपको जंगल ऐसा ही नहीं, झारखंड को छोटा नागपुर बोला जाता है क्योंकि यहाँ छोटा नागपुर पहाड़ों की रानी, छोटा नागपुर इसीलिए इसको नाम दिया गया है। जैसे यही वो पहाड़ है, देखिए आप देख सकते हैं अच्छा लगता है प्राकृतिक चीजों को देख करके। देखने से लग रहा है कितना नजदीक है बट है नहीं। अभी हम हैं दोस्तों चुट्टू पालू में, नहीं सॉरी ये चुट्टू पालू नहीं है, अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से टोल गेट 1 किलोमीटर है, रोड पीछे में रोड का पैसा तो देना पड़ेगा। मेरा फास्टैग लगा हुआ है तो ये आज दिखाते हैं हम आपको किस तरह से फास्टैग से पैसा ऑनलाइन कट जाता है, स्कैन होते ही पैसा ऑटोमेटिक कटेगा और अपने से गेट उठेगा। कहाँ से दोस्तों 1 किलोमीटर है दिखाते हैं आप, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए किस तरह से अभी टोल कटेगा, देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से स्कैन हुआ और अपने आप टोल कट गया। ऑटोमेटिक गेट खुल गया, पैसा कटा और गेट खुल गया।
अभी कुछ ही देर में हम लोग घाटी में जाएंगे, घाटी के तरफ से जाएंगे। और ये जो रामगढ़ घाटी टोटल 7.5 किलोमीटर का है, काफ़ी लंबा है। ये है दोस्तों चुट्टू पालू। घाटी स्टार्ट है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है घाटी क्षेत्र, कृपया धीरे चलें। तो अभी दोस्तों हम धीरे भी चलेंगे। यहाँ से आपकी घाटी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, ना घाटी चलें, होटल में गाड़ी ना चलाएं, उसमें लिखा गया है। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों कि ढलान देख करके गाड़ी न्यूट्रल कर देते हैं, और न्यूट्रल में दोस्तों गाड़ी को मतलब ढलान में घुड़काते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दिक्कत हो सकता है। देखिए पहाड़ों को काट करके बनाया गया ये खतरनाक घाटी, अद्भुत सुंदर अवलोकनीय दर्शनीय, ये काफ़ी अच्छी घाटी है। बस दोस्तों बस ये घाटी पार की हम लोग रामगढ़, तो दोस्तों इसी के पीछे रामगढ़ है, रामगढ़ जिला इसी के पीछे बसा हुआ है। आपको देखते चलिए दोस्तों, आपको पहाड़ों का भी अवलोकन इधर देखिए दोस्तों, तो सुंदर अद्भुत। काफ़ी डेंजर है दोस्तों, हमें ड्राइव करते समय काफ़ी सावधानियों को भी बरतना चाहिए, सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि कोई भी अनहोनी ना हो हमारे साथ। और ऐसे 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 रास्तों पर थोड़ा सा हमें आराम से गाड़ी को चलाना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो इस तरह का। देखिए किस तरह से दोस्तों पहाड़ों को काट करके बनाया गया है, इसमें बार बार आपको बोर्ड में लिखा हुआ है कि कृपया खतरनाक घाटी क्षेत्र और न्यूट्रल में गाड़ी ना चलाएं। तो दोस्तों हमें इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए, और आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक घाटी है ये। हालांकि ये रोड बहुत ही अच्छा है, आप आराम से अगर इसमें क्रॉस करें तो कोई भी आपको दिक्कत कोई भी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये लगेगा दोस्तों आपको कश्मीर है, देखिए दोस्तों कश्मीर से कम नहीं है दोस्तों। देखिए नशे में वाहन ना चलाएं, हर जगह आपको चेतावनी भरी लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई है, जान है जहान है, जल संरक्षण महान है। ये देखिए बड़ी घाटी पहाड़ सामने, इस पहाड़ों के बीचों बीच हम जाएंगे। कितने रफ्तार में गाड़ियां यहां से पार होती हैं, बट इतना रफ्तार में नहीं ले जाना चाहिए गाड़ी। घाटी क्षेत्र बार बार चेतावनी में बोर्ड में लिखा हुआ है कि चेतावनी है, स्लो घाटी में धीरे चले लिखा हुआ है बार बार, लेकिन पता नहीं लोग मानते ही नहीं हैं या फिर कोई भी नियम का पालन करना नहीं चाहते हैं या क्या है। देखिए किस तरह से पहाड़ों से पानी गिर रहा है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक जगह है। आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग कितनी ऊंचाई पे है, यहाँ से पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं, और ये ऊंचे बहुत ऊंचाई पे ये रास्ता बनाया गया है।
देखिए भयानक यहाँ पे गड्ढा है, बट इसका कोई भी ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का। चलिए देखिए हर जगह लिखा हुआ है धीरे जाएं, दुर्घटना संभावित क्षेत्र 250 मीटर धीरे जाएं लिखा हुआ है। तो हमें इन सब का पालन करना चाहिए दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। काफ़ी ये लोग ब्रेक में आराम से जाते हैं क्योंकि इन लोगों का देखिए यहाँ गाड़ियाँ पलटी हुई हैं इसी इन्हीं की वजह से। देखिए लगता हाल फिलहाल में ही गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हुई हैं, बहुत सी चीज़ मछली, कभी मछली का गाड़ी पलट जाता है तो कभी कुछ चीज़ का। इन्हीं सभी सावधानियों को बरतते हुए काफ़ी स्लो चलना चाहिए। चलिए देखिए आपको काफ़ी ऊँचाई पे है दोस्तों, कि अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में तो देख सकते हैं 11 मिनट बस। ये है रामगढ़ घाटी दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 40 किलोमीटर से ज़्यादा तेज ना जाए। यही है दोस्तों NH 33, यही है, ये है NH 33 रोड। शाम को लग रहा है कोई किसी को चल गया है शाम को। देखिए फिर लिखा हुआ है खतरनाक घाटी क्षेत्र दुर्घटना से देर भले। देखिए दोस्तों ये पहाड़ आपको दिखा रहे हैं, उसके ऊपर एक मंदिर है, मैं भी नहीं गया हूँ बट वो मंदिर सुना हुआ बहुत अच्छा मंदिर है। देखिए कहते हैं दोस्तों कि पहाड़ पे ये किनारे किनारे पूरा काजू के पेड़ लगे हुए हैं, पता नहीं सच्चाई है या नहीं बट मैं भी कभी उसको नहीं देखती हूँ, आप इधर देख सकते। ये है मंदिर, पहाड़ के ऊपर से रास्ता है वहीं से जाने के लिए। आप कभी रामगढ़ आए तो जरूर घूमें। तीखी ढलान, हमें वार्निंग भी दिया जाता है रोड पे, हर जगह बोर्ड लिखा हुआ रहता है कि इस तरह से कृपया धीरे जाइए। बहुत सी जगह आपका फाइनली दोस्तों हम अब रामगढ़ ज़िले में आ चुके हैं, और मैं तो रामगढ़ अभी इंटर नहीं करूँगा, मुझे हजारीबाग जाना है यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कि घाटी समाप्त हो चुकी है और हम रामगढ़ ज़िले में आ गए हैं दोस्तों। देखिए वही पहाड़ दोस्तों पीछे से देखिए, इसी पहाड़ के पीछे रामगढ़ ज़िला था, मैंने बताया था आपको। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, रामगढ़ चला जाएगा, रामगढ़ सरदार वल्लभ भाई, ये दोस्तों ये है रामगढ़ जाने वाला गाड़ी निकल। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का मोटिवेट कीजिए मुझे, मैं और भी वीडियो बनाऊँ।